शहर में कुदी ट्रक ड्राइवर की मौत। 4 घंटे मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ता रहा खलासी। कौसाबी सैनी थाना क्षेत्र के गुरुकुल के पास NH2 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में कूद गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। लेकिन खलास में फंसा रहा लगभग 4 घंटे मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ता रहा। सैनी कोतवाली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद खलासी को निकलवाया कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सैनी कोतवाली से लगभग 500 मीटर दूरी पर गुरुकुल के पास कानपुर की तरफ से प्रयागराज की ओर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में कूद गई, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी लगभग 4 घंटे ट्रक में फंसा मौत और जिंदगी बीच जंग लड़ता रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रक में फंसे खलासी को निकालने के लिए JCB पोकलैंड हाइड्रा की व्यवस्था कर ग्रामीणों की मदद से 4 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत बाद खलासी को ट्रक सुरक्षित निकाल कर इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर घायल खलासी का इलाज चल रहा है। लेकिन मृतक ड्राइवर का शव ट्रक में बुरी तरह से फंसा है, जिसको निकलवाने के लिए अभी भी पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। ये लगभग सवेरे 6:30 से 7:45 के बीच की घटना है। सूचना मिलने के बाद यहाँ SO पहुँचे, मैं पहुँचा अपने उसी समय तत्काल, और PNC से सारी गाड़ियाँ मंगाई गई जगह जगह पे हैं। आप देख रहे हैं कि 4-4 हाइड्रा है, 2 मशीनें और हैं। तो किसी तरीके से करके एक आदमी जो था, जो कदाचित हेल्पर था, वो व्यक्ति तो घायल है, उसे जिला अस्पताल भेजा दिया गया, और एक डेड बॉडी फंसी है जिसे आप देख रहे हैं कि हमें निकाला जा रहा है, और संबंधित को सूचना दे दिया गया है। एक मोबाइल नंबर है, उसके निकलते ही ड्राइवर के परिवार को सूचना दे दिया जाएगा। क्या स्थिति थी जो खलासी कितने घंटा फंसा रहा, पुलिस को उसको निकालने प्रशासन कितनी मदद की? जिस पोजीशन में ये गाड़ी थी, पुलिस की कार्यशैली पर और हमारी व्यवस्था में कोई प्रश्न नहीं उठा जा सकता। जिस पोजीशन में थी, आपके पास उसकी फुटेज है कि उसको निकाल कर ऊपर लाने में ही हमें 3-3.5 घंटा लगा।